ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हमने विभिन्न चैप्टरों को पढ़ा हमने, और अंतिम रूप से हमने वन्यजीव अभयारण्य पढ़ा था। वन्यजीव अभयारण्य का भी हमने अंतिम रूप से देखा था प्रत्येक जिले का शुभंकर। शुभंकर यानी कि वन्य जीव। देश का राजस्थान ऐसा राज्य जिसने प्रत्येक जिले के क्या दिए हैं, वन्य जीव दिए। तो हमने 3300 जिले के 33 वन्य जीव देखे थे, और कुछ इंपॉर्टेंट वन्य जीवों की चर्चा भी मैंने कहा था कि इनको याद करने से भी आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। आज हम इसी कड़ी में नए क्लास लेकर आए हैं, राजस्थान के खनिज। खनिजों को लेकर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और खनिजों से संबंधित हमसे इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रश्न है, किस तरीके के पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम प्रत्येक भाग को देखेंगे। तो हम देखते हैं खनिज, एक महत्वपूर्ण संसाधन है खनिज। वर्तमान में आधुनिक युग में बिना खनिजों के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार अन्न हमारे लिए यानी कृषि जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही खनिज भी इम्पोर्टेंट है। खनिज किसे कहते हैं, भूगर्भ से दोहन के माध्यम से जिन तत्वों को निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। बहुत सारी विधियां होती है, खोद कर निकाला जाता है, कुपकी द्वारा निकाला जाता है, धरातल के ऊपर से भी छान कर निकाला जाता है। तो विभिन्न प्रकार से इसे प्राप्त किया जाता है। तो क्योंकि पृथ्वी संपूर्ण धरातल खनिजों से मिलकर बना हुआ है, 2000 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, तो इनको हमारे जो उपयोगी होते हैं इन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है। तो यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। खनिज एक महत्वपूर्ण किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। देखें, हम राजस्थान से संबंधित भी पढ़ेंगे। हम राजस्थान में बहुत सारी खनिजों की विविधता है, पहले सामान्य देख लेते हैं। तो खनिज क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन है। वर्तमान में उचित नीति न होने के कारण, चाहे राज्य की बात करें, देश की बात करें, उचित नीति न होने के कारण इसका अंधाधुंध दोहन किया जाता है। इसीलिए खनिज को क्या कहा जाता है, खनन को कहा जाता है लुटेरी अर्थव्यवस्था। खनिज को क्या कहा जाता है, लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो लुटेरी अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो किससे है, खनिज से। निरंतर आप रोज हम राजस्थान पत्रिका या कोई भी राजस्थान के न्यूज़पेपर खोलकर देखें तो आपको रोज बजरी माफिया मिलेंगे। बांसवाड़ा में देख ले तो मैग्नीज का, कल के पेपर में देखे तो भी मैग्नीज को लेकर था। क्षेत्र भी दे रखे हैं, अपन चर्चा करेंगे। कालाखूटा सागवा, यही तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कालाखूटा सागवा का संबंध किससे है, तो ये न्यूज़पेपर से आते हैं ऐसे प्रश्न। कालाखूटा सागवा कल भी पेपर में था राजस्थान पत्रिका में, कि यहाँ पर मैग्नीज का बच्चों के द्वारा तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, और फिर यहाँ से कहाँ पर, गुजरात में सप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि इसके पट्टे नहीं मिले। सर्वाधिक मैग्नीज बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, लेकिन इसका उचित खनन नीति नहीं होने के कारण इसके पट्टे नहीं मिले हैं, तो इसका क्या होता है, कालाबाजारी होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जितना भाग पट्टों में आवंटित किया जाता है उससे ज्यादा भी जो होते हैं खनन का, जिनको पट्टा मिलता है वो इससे अतिरिक्त भी खोद देते हैं, भूगर्भ में अनियमित खुदाई करते हैं, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है, लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आज हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे, और कौन से खनिज, राजस्थान के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान देश का ऐसा राज्य है जहां खनिजों की बहुत अधिक क्या मिलती है, विविधता मिलती है। राजस्थान में देश की सर्वाधिक खनिजों की विविधता मिलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। तो राजस्थान हमारा खनिजों का अजायब घर। और राजस्थान में सर्वाधिक भंडार कहां मिलते हैं, तो अरावली में राज्य के सर्वाधिक खनिज भंडार मिलते हैं। राज्य खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। सर्वाधिक देश में जो खनिजों की विविधता पूछ रहे हैं, वही बात है, सर्वाधिक विविधता किस राज्य में मिलती है, तो सर्वाधिक विविधता किस राज्य में मिलती है, राजस्थान राज्य में मिलती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और राज्य में सर्वाधिक खनिज के भंडार या उपलब्धता कहाँ होती है, अरावली में होती है। राज्य देखें खनिजों के उत्पादन में क्या रखता है, तीसरा स्थान रखता है। देश में कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। जबकि भंडार में बात करें तो यह झारखंड के बाद में भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। हमको जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके के पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे।
अभी हम सामान्य देख रहे हैं। उत्पादन की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जबकि भंडार की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जबकि आय की दृष्टि से कौन सा स्थान है देश में? पांचवा स्थान है। तो इस प्रकार देखा हमने उत्पादन की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से और आय की दृष्टि से देश में स्थान राजस्थान का। तो उत्पादन तीसरा स्थान, भंडार में दूसरा स्थान, जबकि आय की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। आगे और चर्चा करते हैं। हमारी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में, हमने बात करी थी इसकी कृषि में भी, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान मात्र 5% है। कितना योगदान है? मात्र 5%। जबकि कृषि का हमने पढ़ा था प्रत्येक वर्ष 22 से 25% तक रहता है। वर्तमान में 23% योगदान किसका है जीडीपी में? कृषि का है। जबकि इसका योगदान कितना है? मात्र 5%। खनिज को बहुत अधिक उत्पादन होता है राज्य में, लेकिन क्योंकि हम पहले ही कहा, इसे क्या कहा जाता है? लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि खनन नीति सही बनती नहीं है या बहुत सारे राजनेताओं की साठगांठ होती है, इसलिए इससे राज्य को आय प्राप्त नहीं होती है। हमारी मात्र जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 5%। जबकि हम देश के खनिजों में कितने प्रतिशत योगदान देते हैं? 22%। यानी कि देश के कुल खनिजों का यानी कि सभी राज्यों के खनिज हैं जो 100% है, देश के कुल खनिजों का, जो देश के टोटल 100% खनिज है, उसमें 22% कौन देता है? राजस्थान देता है। देश के कुल खनिजों में हमारा योगदान कितना है? 22% है। फिर भी हमारी आय कितनी है? मात्र 5% है। ऐसा दूसरा कारण इसका यह है कि हमारे यहाँ पर लोहांश या बहुमूल्य धातु नहीं पाए जाते। हम लोहांश कौन से धातु नहीं पाए जाते हम देखेंगे खनिजों में। तो हमारे यहाँ पर लोह खनिजों की क्या है? कमी है। लोह खनिजों की कमी है। लोह खनिजों में हम देश में कौन सा स्थान रखते हैं? चौथा स्थान रखते हैं। यानी कि लोह खनिज या बहुमूल्य खनिजों में हमारे यहाँ पर क्या है? कमी पाई जाती है। जबकि देश में अलोह खनिज या कहें गौण खनिज या हम बात करें सामान्य खनिज, इनमें देश में कौन सा स्थान है हमारा? प्रथम स्थान। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ पर क्या नहीं है? बहुमूल्य खनिज नहीं है, अधात्विक खनिज है हमारे यहाँ पर। अलोह खनिजों को हम कह सकते हैं अधात्विक खनिज। आपसे इनमें से कोई प्रश्न पूछ ले अधात्विक खनिज, अलोह खनिज, गौण खनिज या सामान्य खनिजों में देश में हमारा कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, क्योंकि यह बहुमूल्य नहीं है, इनकी कोई ज्यादा इनसे आय प्राप्त नहीं होती है, रॉ मटेरियल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए राज्य में इतना अधिक खनिजों के विविधता होने के बाद भी, इतना अधिक उत्पादन होने के बाद भी जीडीपी में मात्र इसका योगदान कितना है? 5% है। इस प्रकार के कथन कारक पटवार में दे कथन कारक पटवार में आते हैं एक तो सामान्यता, और एक आते हैं आरएस प्री में। बाकी लाइब्रेरियन वगैरह में इतने कथन कारक नहीं दिए जाते हैं। कथन कारक है वो ज्यादातर किसमें पूछे जाते हैं? या आपको मिल जाए रीट में, क्योंकि रीट में भी खनिज दे रखा है, संसाधन भूगोल में खनिज दे रखा है। दूसरा जो टॉपिक है संसाधन भूगोल, वहां पर खनिज चैप्टर दे रखा है, तो वहां पर भी कोई कथन कारक दे दे। जैसे मृदा का कथन कारक आया था, निम्न कथनों में से असत्य कथन छाटी है, इस प्रकार का आया था, ऐसा प्रश्न आ जाए तब ये आपके काम का है। तो हम अधात्विक खनिज, अलोधात खनिज, गौण खनिज, सामान्य खनिजों में हम क्या रखते हैं? देश में प्रथम स्थान रखते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पर कौन से खनिज नहीं है? लोह खनिज या इन्हीं को कहें हम बहुमूल्य खनिज की क्या पाई जाती है हमारे यहाँ पर? कमी पाई जाती है, जिस कारण हमारी जीडीपी में इसका योगदान मात्र कितना है? 5% है। जबकि हम देखेंगे हमारे यहाँ पर 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। विविधता में हम क्या रखते हैं? देश में प्रथम स्थान रखते हैं। हमने प्रथम बात की थी देश में सर्वाधिक विविधता रखते हैं, खनिजों का अजायब घर है, अरावली में राज्य के सर्वाधिक खनिज के भंडार है। इसका मतलब खनिज तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुमूल्य खनिज नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार कथन कारक से आ जाए तो आपको देखना है। आगे हम अब थोड़ा विस्तार से राजस्थान पर आ जाते हैं, राजस्थान के खनिजों पर आ जाते हैं। देखो राजस्थान ने जो खनन या खनिज नीति बनाई थी, सबसे पहले भैरव सिंह शेखावत के काल में बनाई गई थी। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। इनके काल में 1978 में प्रथम खनन नीति या खनिज नीति बनाई गई थी। इसके बाद में भी बनी हमारे पास, 91 में बनी, 94 में बनी, 98 में बनी, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। हमारे पास अंतिम जो खनन नीति बनी है वो 2015 में बनी है। आप देख लें कि कितने वर्षों में खनन नीति बनती है। 1999 के बाद में 2015 में खनन नीति बनाई गई, और 2015 के बाद में अभी तक कोई खनन नीति नहीं बनी। निश्चित इस सरकार में खनन नीति आएगी,
लेकिन अभी तक खनन नीति आई नहीं है। इसका कोई ना कोई पीछे कारण तो रहता ही है, खनन नीति न आने का नवाचार होना चाहिए, लेकिन खनन नीति बार बार नहीं जल्दी बदलती नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हमें हमारी जीडीपी में इसका योगदान बहुत कम रहता है। तो हम देखें हमारे राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज हैं, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना। अभी तक जो ज्ञात किए हैं वो खनिज कितने हैं, 81 प्रकार के खनिजों का ज्ञात किया है, और इनमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है। ठीक है, तो दोहन हम कितने को करते हैं, 57 प्रकार के खनिजों को निकाला जाता है, जबकि 81 प्रकार के राज्य में खनिज पाए जाते हैं। जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उसमें स्पष्ट दे रखा है, आपसे इसलिए पूछ ले, वहां से लाइन उठा ले, राज्य में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है, तो 57 प्रकार के खनिजों का हम क्या करते हैं, दोहन करते हैं। आपको लग रहा होगा 57 प्रकार के खनिज तो हम निकालते हैं लेकिन फिर भी आए नहीं, तो हम जब बांटेंगे इसको धात्विक और अधात्विक खनिज में, तब मैं स्पष्ट कर दूंगा कि क्या है, एकदम रॉ मटेरियल की तरह है हमारा, चिका मिट्टी, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट सबसे सस्ते होते हैं, तो उन चूना पत्थर, इनमें ज्यादा आय प्राप्त नहीं होती, देखेंगे हम। तो 57 प्रकार के खनिजों का हम क्या करते हैं, दोहन करते हैं, और 81 प्रकार के हमारे पास क्या है, खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं हम, हमने देख लिया था कि राज्य के कुल खनिजों में हमारा योगदान कितना है, 22% है, और हमारी जीडीपी में, राज्य की जीडीपी में खनिजों का योगदान कितना है, 5% है। तो जीडीपी में 5%, देश के कुल खनिजों में हम कितना योगदान देते हैं, 22% योगदान देते हैं। अब बात करते हैं राज्य में खनिजों को लेकर और प्रश्नों की, पहले देख लेते हैं प्रश्न किस प्रकार के हमसे पूछे जाते हैं, पहले उनकी चर्चा करते हैं फिर हम आते हैं हमारे चैप्टर पर। देखिए खनिजों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, खनिजों से संबंधित हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, देख एक तो हमसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पलाना का संबंध निम्न में से किस खनिज से है। प्रश्न की बनावट अलग हो सकती है, हम सिंपल लैंग्वेज में देख रहे हैं, पलाना का संबंध निम्न में से किस खनिज से है, यहां पर आ जाए कोयला, अ आ गया कोयला, ब आपको दे दे लोयस्क, स आपको दे दे पेट्रोलियम, और दो आपको दे दे जिप्सम। अब आपको उत्तर छाटना होता है, सिंपल जो छोटे एग्जाम्स आते हैं, पलाना हमेशा के हर किसी न किसी दो चार पेपर में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इसलिए पूछा जाता है कि पलाना एशिया का सर्वश्रेष्ठ कोयला यहाँ पर मिलता है, कौन सी किस्म का, लिग्नाइट किस्म का। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे जब डिप से, तो हम देखेंगे लिग्नाइट किस्म। राजस्थान में ऐसे सामान्यतः कोयले का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, राजस्थान में कोयला न के बराबर मिलता है, फिर भी लिग्नाइट किस्म के कोयले में हम गुजरात तमिलनाडु के बाद में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान, जिसमें भी पलाना बीकानेर में पलाना क्षेत्र है, यहां पर एशिया का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। अब सर्वश्रेष्ठ है, एशिया का सर्वश्रेष्ठ है, तो निश्चित है यह प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाना चाहिए, इसलिए पूछते हैं हमसे। तो पलाना का संबंध किससे है, तो सिंपल सा आ जाना चाहिए कोयला, कोयले की जगह यह भी लिखा हुआ मिल सकता है हमें लिग्नाइट, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि लिग्नाइट किसकी किस्म है, कोयले की, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि यहां पर कोयला ना देख कर क्या देख दे दिया हो, लिग्नाइट दे दिया। अब आप ढूंढेंगे तो ऐसा लगेगा कि पलाना आपको पता है कि बीकानेर में, तो आप पेट्रोलियम या जिप्सम पे चले जाएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यह भी पता होना चाहिए कि कोयले के कितने प्रकार हैं और एक लौह अयस्क के कौन से प्रकार हैं। तो हम इस प्रकार सबकी चर्चा करेंगे, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, अ। एक सामान्यतः इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है सूची अ को सूची ब से शामिल कीजिए या निम्न सूची में से असंगत सूची को छाटिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां ये ज्यादातर प्रश्न बनाए जाते हैं क्योंकि यहां पर क्या होता है कि चार ऑप्शन होते हैं और चार खनिजों को आपको पता होना चाहिए, थोड़ा प्रश्न लेंथी हो जाता है, इसलिए ये ज्यादातर ये पूछा जाता है कि निम्न में से असंगत है ना, लैंग्वेज बनाए वो जो भी बनाए, अ ब स और द, यहां पर लिखा हुआ है खनिज और यहां पर लिखा हुआ मिल जाता है क्षेत्र भी लिखा हुआ मिल जाता है, या फिर क्या मिल जाता है, जिले भी मिल जाए, दो चीजें मिल सकती हैं यहां पर आपको, क्या मिल सकता है, क्षेत्र भी पूछ सकता है स्पेशल, जहां डीप लेना है तो क्षेत्र देखा, जैसे ना जैसे दे दे वो चूना पत्थर में दे दे दलों का खेड़ा है, बनेड़ा है, इसी प्रकार अभ्रक में दे दे
अभ्रक में दे दे, जैसे हमें यहाँ पर पूछ ले अभ्रक में यहाँ से संबंध है, जैसे हमारे यहाँ पर भीलवाड़ा प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन वहाँ के क्षेत्र के नाम दे दे वहाँ पर, कि थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ, वहाँ पर क्षेत्र हैं बहुत सारे, इन क्षेत्रों के बारे में पूछ ले। तो ऐसे क्षेत्र वगैरह भी आ सकते हैं, अभी अपन बना के देख लेते हैं। अखनिज जैसे दे दिया ब स और द, यहाँ खनिजों के नाम लिख दिया हमने लो अयस्क, हमें क्या ढूंढना है असंगत ढूंढना है लो अयस्क। नेक्स्ट दे दिया हमें चूना पत्थर, यहां पर दे दिया अभ्रक नाथ की नेरी तुनका, जो आ गया मुझे नाथ की नेरी तुनका चापरी, ये किससे संबंधित है अभ्रक से संबंधित है, अभ्रक दे दिया। और क्या दे दिया यहां पर रॉक फॉस्फेट दे दिया, और यहां पर जिले न देकर, यहां पर क्या दे दिया जिले न देकर हमें यहां पर क्षेत्र दे दिए, रॉक फॉस्फेट जैसे दे दिया डाकन कोटड़ा, यहां पर डाकन कोटड़ा लिखा हुआ, अभ्रक में लिखा हुआ नाथ की नेरी, नाथ की नेरी, चूना पत्थर में उसने दे दिया यहां। तो हम देख रहे थे जैसे हमने लोएस्क को दे दिया मोरिजा बानोल, हम ढूंढ रहे हैं असंगत ढूंढना, चूना पत्थर का हम कोई भी क्षेत्र दे दे, जैसे दे दिया काला खूटा, काला खूटा। अब यहां पर आपको क्षेत्र भी याद होने चाहिए, अब हमें क्या ढूंढना है निम्न में से असंगत ढूंढना है, क्या ध्यान देना है यहां पर प्रश्नों को भी ध्यान देना है, संगत ढूंढना है कि असंगत ढूंढना है, यह भी ध्यान देना है। पहला तो बहुत जल्दबाजी में नहीं होना, आते हैं तो बहुत जल्दबाजी कर दे, ऐसा नहीं है कि आपको लो एस्क का पता है रट लिया आपने। मनोजा मानोल में बार बार कहता हूं, क्लास में भी कहता हूं कि सबसे ज्यादा जिस प्रकार प्लाना भी हमने पढ़ा था उस प्रकार लो एस्क में अगर नाम पूछा जाता है तो कौन इंपॉर्टेंट था मोरिजा बानोल, तो हम ये तो सही हो गया मोरिजा बानोल तो क्या है सही है। चूना पत्थर आपको काला खूटा याद है कि नहीं याद है, क्योंकि काला खूटा सागवा लीलवानी इनका संबंध किससे है मैग्नीज से है, तो यहां पर ये क्या है ब क्या है असंगत है, अभ्रक क्या है नाथ की नेरी, रॉक फॉस्फेट का क्या है डाकन कोटड़ा झामर कोटड़ा, ये जिंक स्मेल्टर द्वारा यहां पर रॉक फॉस्फेट का क्या किया जाता है खनन किया जाता है। तो इस तरीके का प्रश्न आ गया तब आपको यहां पर ये पूरा एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, यहां पर उत्तर क्या होगा ब, इस प्रकार के प्रश्न थोड़े लेंदी होते हैं, आप बार बार इनको पढ़ेंगे तो ही आप इनको कर पाएंगे, जगह आपको रटनी पड़ेगी, यहाँ पर रटना हुआ ही काम आएगा, यहाँ पर आप रट कर याद करें या जिस तरीके से याद करें या जिलों में शो करके याद करें, क्षेत्र आते तब कठिन हो जाता है। इजी कब हो जाता है जब जिले आए, यहाँ पर अपन इसको फिर से बदल देते हैं इस प्रश्न को, क्षेत्र की जगह क्या दे दें यहाँ पर जिले दे दे, लोएस्क जैसे जिला दे दिया यहाँ पर हमें जिले दे दिए, लोएस्क में दे दिया जयपुर, चूना पत्थर में दे दिया हमें चित्तौड़गढ़, अभ्रक में दे दिया भिलवाड़ा और रॉक फॉस्फेट में दे दिया बांसवाड़ा। अब आपको उत्तर ढूंढना है, वही प्रश्न है असंगत, यहां पर थोड़ा सा आसान हो जाता है, लोएस्क जयपुर चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ और अभ्रक भिलवाड़ा, तो अभ्रक फॉस्फेट पे बांसवाड़ा, ये क्या हो जाएगा द उत्तर इसका हो जाएगा, क्योंकि बांसवाड़ा का संबंध किससे है मैग्नीज डोलोमाइट, इसका संबंध किससे है बांसवाड़ा जिले से, हम एक एक जिले को एक एक खनिज सब कुछ पढ़ेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा प्रश्न क्या होता है इजी हो जाता है, लेकिन जब क्षेत्र आते हैं तब ये प्रश्न क्या हो जाता है कठिन हो जाता है। तो प्रश्न के पूछने का व्यवहार पर डिपेंड करता है, जब कठिन आता है तो इसमें से 100 बच्चे अगर क्लास में बैठे हैं टेस्ट देने के लिए तो उसमें से 10 से 15 बच्चे कर पाते हैं, इस वाले में 40 से 50 बच्चे कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आते हैं ये थोड़ा से लेंदी होते हैं, इनमें चारों का पता होना चाहिए तब जाकर आप क्या करेंगे उत्तर सटीक निकाल सकते हैं, तुक्का मारना यहाँ पर क्या हो जाता है गलत साबित हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एक तो पूछे जाते हैं खनिजों को लेकर, दूसरा खनिजों को प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, यहाँ 1 2 3 4 दिए होंगे, यहाँ पर ए बी सी दिया होगा और फिर नीचे लिखा होगा सूची अ को सूची बस से सुमेलित करते हुए नीचे कूट का उत्तर दीजिए, तो फिर से यहाँ पर आपको मिलान करने वाला आ जाए, इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यदि खनिजों से पूछा जाता है जैसे रेट वगैरह में खनिज है, तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको एक लेंदी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार मैंने कहा था निम्न में से कौन सा कथन खनिज को लेकर सत्य है या असत्य है, तब थोड़ा सा लेंदी याद होना चाहिए, वहां पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको देख लेते हैं। जब डीप प्रश्न पूछे जाने एक तो हम देखें कथन आ गए निम्न में से असत्य कथन को छाटिए, ऐसा प्रश्न आ गया निम्न में से, यहां पर मैं ऐसा प्रश्न इसलिए बना रहा हूं कि अकथन को छाटिए, इसका मतलब तीन कथन क्या है सत्य है, तो आपको उनको याद कर लेने, यहां इसलिए ऐसा प्रश्न बना रहा हूं मैं, यहां तो ऐसा भी बना सकता था कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, तो उनमें से तीन गलत हो जाएंगे तो अपन नेगेटिव नहीं जा रहे अपन, क्योंकि यहां याद करने के कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं, वहां पर कैसे भी प्रश्न आ जाए ना, तो निम्न में से असत्य कथन को
छाटिए, या इस प्रकार कोई भी लैंग्वेज बना दे, हमको क्या ढूंढना है, असत्य कथन ढूंढना है। जैसे कथन आ गए यहाँ पर बड़े से लेंदी लिखकर आ गए हमारे पास, अ दे दिया उसने, राजस्थान खनिजों में विविधता रखता है, यहाँ देश के सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। ब आ गया, ब दे दिया इसने, देश के अन्य राज्यों की तुलना में, देश के अन्य राज्यों की तुलना में खनिजों से राजस्थान को कम आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट तीसरा दे दिया, स दे दिया, राज्य की यानी कि राजस्थान की, राज्य की अरावली श्रेणी में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। द ऑप्शन दे दिया, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आ गए तब आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि राज्य में धात्विक खनिज कहाँ, कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं, या जीवाश्म खनिज राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार के सभी प्रश्न पता होना चाहिए तब जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखें, हमने प्रारंभ में बात की थी कि राजस्थान खनिजों में क्या रखता है, विविधता रखता है। यहाँ देश के सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। दूसरा है, देश के अन्य राज्यों की तुलना में खनिजों से राजस्थान को कम आय प्राप्त होती है। हमने देखा था आय की दृष्टि से देखें तो 5वां स्थान रखते हैं, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक ये क्या रखते हैं, देश में खनिजों की दृष्टि से प्रथम स्थान रखते हैं, प्रथम दूसरा तीसरा रखते हैं, जबकि हम कौन सा स्थान रखते हैं, 5वां स्थान रखते हैं। जबकि देश में खनिजों में हमारा योगदान कितना था, 22%, यानी कि सभी राज्य मिलकर, हमारे 29 राज्य मिलकर कितने देते हैं, 28 हमारे राज्य रहे तो ये राज्य मिलकर कितना देते हैं, 100% जो योगदान होता है उसमें हम कितना देते हैं, 22% देते हैं, जबकि हमारी आय कितनी है, मात्र GDP में 5%। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो गया। तो ये कथन भी सत्य है। अब राज्य की अरावली श्रेणी में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर है वो विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। कौन सी श्रेणी में पाया जाता है, विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, विंध्यन श्रृंखला जरूर पढ़ी हमने, अभी हम खनिजों से जोड़कर पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रश्न गलत हो गया। देखें, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान देखेंगे हम, थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान न देकर यहाँ पर यह भी दे सकता था, अवसादी राज्य के पश्चिम में अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, ऐसा भी दे दे, कैसा भी घुमा फिरा कर दे। तो राज्य का जो पश्चिमी भाग है हमारा, वहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, और इनमें हम देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें, इनको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाते थे। ये कथन भी क्या था, सत्य था। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया, स हो गया। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कहाँ पर रेट में, जहाँ पर खनिज दे रखा वहाँ पर पूछ ले, पटवार में पूछ ले, पटवार ये है, या किसी भी एग्जाम में पूछ ले, पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी एग्जाम में पूछ ले, बस एग्जामिनर लेंथी बनाना चाहे तो इस प्रकार के प्रश्न भी बना लेता। तो यहाँ पर एक ये इस प्रकार का भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, एक और तरह का प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, एक अंतिम रूप से हम देखें तो हमसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में देखें तो, एक तो पूछा जा सकता है किसी नीति वगैरह को लिख पूछा जाए। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जो खनिज नीति बनी थी वो कब बनी थी, खनिज नीति 1978 में, फिर शेखावत के काल में बनी थी, वो टाइम वगैरह तो किसके काल में बनी है नहीं पूछा जा सकता, पहली
फर्स्ट और अंतिम पूछा जाए आपसे, अभी नहीं आ जाए तो उसको भी ध्यान रखना। अंतिम रूप से खनिज नीति कब बनी है? 2015 में, 4 जून 2015 को अंतिम खनिज नीति का घोषणा की गई थी। तो आपको याद रखना है अंतिम खनिज नीति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब बनाई गई? 2015 में। तो खनिज नीति से लेकर सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहाँ ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट और एक तरीके का प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ से, किस प्रकार का पूछा जा सकता है, वो है खनिजों को प्रकार से लेकर। निम्न में से अधात्विक खनिज है, निम्न में से अधात्विक खनिज है, या निम्न में से धात्विक खनिज है, या निम्न में से लोहांश धात्विक खनिज है, या अलोहांश खनिज है। तो हम एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे लोह खनिज कौन से, अलोह पहले देखेंगे हम धात्विक कौन से हैं और अधात्विक कौन से, उसमें भी देखेंगे धात्विक में भी कौन से होते हैं लोहांश और अलोहांश। फिर एक प्रश्न इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है, रेट में पूछा जा सकता है खनिजों को लेकर ऊपर ही, कि निम्न में से धात्विक खनिज के गुण हैं या नहीं, कि इनमें तन्मयता होती है ना, टूटने पर ये कूटने पर ये टूटते नहीं है, तन्मयता होती है, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न इनसे पूछे जा सकते हैं। तो और दूसरा देखें यहाँ पर प्रश्न आ जाए जैसे यहीं से, कि निम्न में से कौन सा रासायनिक खनिज है, निम्न में से कौन सा रासायनिक खनिज है, निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है, निम्न में से कौन सा आण्विक खनिज है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कौन से किस प्रकार के खनिज हैं। तो आगे अब हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट की ओर और हम देखते हैं इन खनिजों को। सबसे पहले हम खनिजों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। पहले दो भागों में बांटेंगे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। इसके बाद में हम देखेंगे धात्विक खनिजों में हमारे पास दो होते हैं, धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लोह की मात्रा के अनुसार लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। फिर हम देखेंगे अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज को हम बहुत सारे प्रकारों में बांट देंगे, क्योंकि यहां से एक बार प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है या नहीं, ऐसे प्रश्न भी आ जाए तो उनकी चर्चा भी कर लेंगे। निम्न में से कौन सा रासायनिक खनिज है या नहीं, निम्न में से कौन सा आण्विक खनिज है या नहीं, निम्न में से कौन सा जीवाश्म खनिज है या नहीं, इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे इन सबको हम एक चार्ट में समाप्त कर देंगे। तो हम देखते हैं खनिजों को हम कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान के खनिज हम सामान्य तो देख रहे हैं, खनिजों का क्या देख रहे हैं, वर्गीकरण। ज्यादातर मैं वह खनिज लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं और जो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, खनिजों का वर्गीकरण। फिर इसके बाद में हम देखेंगे प्रत्येक खनिज को देखेंगे और खनिज के प्रत्येक क्षेत्र को देखेंगे, जिलों के साथ साथ में प्रत्येक के क्षेत्र को भी देखेंगे हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं।